बड़ा तोहफा। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 17 नवंबर से फिर खुल रहा करतारपुर कॉरिडोर। आज से खुल रहा करतारपुर कॉरिडोर। श्रद्धालुओं को नियमों का करना होगा पालन। प्रकाश पर्व पर बड़ा तोहफा। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 17 नवंबर से फिर खुल रहा करतारपुर कॉरिडोर। आज से खुल रहा करतारपुर कॉरिडोर। श्रद्धालुओं को नियमों का करना होगा पालन। तो इस प्रकाश पर्व श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ा तोहफा है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। प्रकाश पर्व के अवसर पर यानी आज 17 नवंबर से करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोला जा रहा है और करतारपुर कॉरिडोर खुलने के अवसर पर श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका तो मिलेगा लेकिन नियमों का भी पालन करना होगा। तो प्रकाश पर्व पर बड़ा तोहफा मिल रहा है। मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। 17 नवंबर से फिर खुल रहा है करतारपुर कॉरिडोर यानी आज से करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा है। श्रद्धालुओं को नियमों का करना होगा पालन। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूटी से जा रही शिक्षिका को ट्रैक्टर ने मारी जोरदार टक्कर। शिक्षिका की घटना स्थल पर ही हुई दर्दनाक मौत। घटना में शिक्षिका की बेटी बाल बाल बची। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। सदर कोतवाली क्षेत्र के पास सुरान बम्बा का मामला। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूटी से जा रही शिक्षिका को ट्रैक्टर ने मारी जोरदार टक्कर। शिक्षिका की घटना स्थल पर ही हुई दर्दनाक मौत। घटना में शिक्षिका की बेटी बाल बाल बची। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। सदर कोतवाली क्षेत्र के पास का मामला। यूपी में युवाओं को मिलेगा स्मार्टफोन और टैबलेट। बड़ी खबर, कैबिनेट ने स्मार्टफोन टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी। 2.40 लाख टैबलेट 3.50 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाएंगे। आपूर्तिकर्ता कंपनी के लिए नियम और मानक तय। 25 नवंबर तक आपूर्ति करने वाली कंपनी का होगा चयन। यूपी में युवाओं को मिलेगा स्मार्टफोन और टैबलेट। कैबिनेट ने स्मार्टफोन टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी। 2.40 लाख टैबलेट 3.50 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाएंगे। आपूर्तिकर्ता कंपनी के लिए नियम और मानक तय। 25 नवंबर तक आपूर्ति करने वाली कंपनी का होगा चयन। यूपी बीजेपी में बड़ी ज्वाइनिंग, लखनऊ से बड़ी खबर। ज्वाइनिंग के समय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद। चार विधान परिषद सदस्य बीजेपी में शामिल। सपा के रविशंकर सिंह पप्पू बीजेपी में शामिल। सपा के नरेंद्र भाटी बीजेपी में शामिल। सपा एमएलसी रमा निरंजन ने थामा भाजपा का झंडा। यूपी बीजेपी में बड़ी ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के समय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद दिखे। चार विधान परिषद सदस्य बीजेपी में शामिल। सपा के रविशंकर सिंह पप्पू बीजेपी में शामिल। सपा के नरेंद्र भाटी बीजेपी में शामिल। सपा एमएलसी रमा निरंजन ने थामा भाजपा का झंडा। वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां कई ज्वाइनिंग हुई है बीजेपी का थामन थामते हुए कई बड़े नेता नजर आए विपक्ष के। इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, कौन कौन से ऐसे मंत्री नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है? देखिए, सपा और बसपा के चार एमएलसी हैं शिखा, जो आज बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। और इनका नाम अगर बताया जाए तो सपा से रविशंकर सिंह पप्पू शामिल हुए हैं, सपा से नरेंद्र भाटी जो हैं वो शामिल हुए हैं। इसके अलावा सीपी चंद्र रमा निरंजन एमएलसी जो हैं वो भी बीजेपी में आज शामिल हो गए हैं। तो सपा के ये जो चार एमएलसी हैं ये आज बीजेपी के हो गए हैं और इनकी ज्वाइनिंग के समय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, ये मौजूद थे। और इनके साथ कई और जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे जहां पर स्वतंत्र देव सिंह ने इनकी ज्वाइनिंग करवाई है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, और साफ तौर पर उन्होंने कई सारे बयान भी दिया। उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है उसको लेकर भी स्वतंत्र देव सिंह ने बातें कही हैं, भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक इस वक्त जो पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं अब जो दल छोड़ने का और दलों में शामिल कराने की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है, और बयानबाजियों का भी जिक्र जो है वो काफी तेज है। आज स्वतंत्र देव सिंह ने ये कहा कि कोरोना के समय पर अखिलेश यादव अपने घर से नहीं निकल रहे थे, और जब एक्सप्रेसवे की बात आई तो वो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि एक्सप्रेसवे पर चलने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी फर्जी बातें फैला रही है। अखिलेश अब घर से निकले हैं तो उन्हें वो ना निकले, वो आराम करें अपने घर में, क्योंकि कोरोना के समय भी उन्होंने आराम किया है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो स्वतंत्र देव सिंह ने आज कही है। शिखा जी, नितिन, जो नेता आज शामिल हुए भाजपा में, इनकी अपनी पार्टी में कैसी छवि रही है ये भी जानना चाहेंगे। ठीक है, ये एमएलसी रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब एमएलसी कोई बनता है तो उन्हें पार्टी का पूरा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बिना पार्टी के सपोर्ट से एमएलसी नहीं होता है, एमएलसी नहीं बन सकता है, क्योंकि एमएलसी ऐसे लोगों को ही चुना जाता है जो कि विधान परिषद के सदस्य, ऐसे लोगों को चुना जाता है जो जिनकी छवि जो समाज में बेहतर होती है, जिनका अपना एक वोट बैंक होता है, क्योंकि अलग अलग सेक्शन से ये जो एमएलसी है वो चुने जाते हैं। कुछ शिक्षक एमएलसी चुने जाते हैं, कुछ अलग अलग जो वोट बैंक के जो खाते हैं उनसे जो एमएलसी है वो चुने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो नाम आज बीजेपी में शामिल हुए ये सारे बड़े हैं, और बड़े हैं तभी कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी में एक लंबे समय से अपनी जो सेवा थे वो दे रहे थे, लेकिन अचानक चुनाव से पहले ये बीजेपी में शामिल हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़े थे लखनऊ से।